ब्रहनल्ला के बारे में आप जानते हैं, ब्रहनल्ला मीन्स हिंजड़ी, मीन्स वो जो ना तो मेल की कैटेगरी में होते हैं ना फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। इतिहास में हम देखें तो भीष्म पिता में की मृत्यु का कारण शिखंडी यानी कि एक ब्रहनल्ला था। अर्जुन ने भी अपने अज्ञात वास के दौरान एक वर्ष के लिए ब्रहनल्ला का रूप धरा था। क्या है ब्रहनल्ला? बायोलॉजिकल हिसाब से हम देखें, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये वो ग्रुप है जिनमें न तो मेल होते न फीमेल होते। शारीरिक बाह्य आकृतियों से इनके अंग डेवलप नहीं होते और जो क्रोमोसोम्स है, जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, वो भी डेवलप नहीं होती है। ऐसे लोगों को ब्रहनल्ला या यूनिक या हिंजड़े बोलते हैं। यदि हम डाटास पे जाएं तो ट्रू सेंस में मेडिकल साइंस के हिसाब से इनका प्रतिशत बहुत 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 ज्यादा कम है ट्रू यूनिक्स का। लेकिन हमारे समाज में हम देखते हैं कि इनका ग्रुप इतना छोटा भी नहीं है। क्या कारण है? क्या ये वाकई में यूनिक्स हैं? या तो मैं आपको ये बताऊं कि इतने बड़े यूनिक ग्रुप का निर्माण प्रकृति की देन नहीं है। ये हमारी अज्ञानता, हमारी कुरीतियां और कुछ विद्रोह स्वरूप भी है। ब्रहनल्लाओं को हमारे समाज में एक अच्छा दर्जा नहीं दिया गया, इस स्वरूप उनके अंदर एक विद्रोह जागा, समाज में कुरूति के रूप में लिया गया। और कभी कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने समाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ अन्य नॉर्मल बच्चों को भी ब्रहनल्लाओं में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसी कई बार हम न्यूज देखते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है अज्ञानता। कई बार बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर अंगों का विकास नहीं होता है, पूर्णतया विकसित नहीं हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो यूनिक्स है। कई बार मेल फीमेल दोनों एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, एक ऑर्गन अंडर डेवलप होता है और एक हिडन होता है। ऐसे में कई बार छोटी सी सर्जरी करके उनको या तो मेल कन्वर्ट किया जा सकता है या फीमेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको याद हो तो कई बार ऐसा होता है जो बच्चा पैदा होता है किसी परिवार में, वहां ब्रहनल्लाओं का ग्रुप आता है, वो बच्चे के सेक्स को देखते हैं और उनको कितना समझ में आता है या नहीं आता है और वो अपने विवेक पर उसका निर्णय करके उस बच्चे को ले जाते हैं और ब्रहनल्ला बना सकते हैं। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको हम छोटी प्लास्टिक सर्जरी या कुछ और सर्जरी करके उनको या तो मेल बना सकते हैं या फीमेल बनाया जा सकता है। ये ऑपरेशन कुछ सिंपल होते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसके तरफ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि ऐसा हो, आपके आसपास हो, आपके गांव में हो, ऐसा यदि आपको लगता है कि बच्चे का सेक्स क्लियर नहीं है तो उसे पीडियाट्रिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन या किसी डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद में ही समाज में जो ब्रहनल्ला या हिंजड़े हैं उनको सुपुर्द करें या न करें, ये तो खैर आपका डिसीजन है। लेकिन आपको ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वो आपको बता सकता है कि इसका क्या किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ केसेस के बारे में बताना चाहूंगा जो मैंने ऑपरेशन किए। एक ऐसा ही बच्चा है, दुर्भाग्यवश इनके परिवार में दो भाई हैं ऐसे और दोनों के साथ ऐसी समस्या है, उनके अंकोश है लेकिन उनके लिंग नहीं है। ये बच्चे बहुत बुरी तरह से मानसिक रूप से परेशान होते हैं, पुरुष के कपड़े पहनते हैं लेकिन पुरुष शौचालय में नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। ये बच्चे मेरे पास आए, मैंने इनका ऑपरेशन किया, मल्टीपल स्टेज सर्जरी हुई और आज वो एक पुरुष के रूप में समाज से में घूम रहे हैं। दूसरे केसेस होते हैं जिनमें लिंग होता है, अंडर डेवलप होता है, पेशाब का रास्ता कहीं होता है, उसे हाइपोस्फेनेसिस भी कहते हैं। ये भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा करेक्ट करके इनका लिंग बनाया जा सकता है और पेशाब करने की जगह को नॉर्मल जगह पे ले जाया जा सकता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है जिन्हें इंटरसेक्स कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ऐसे केसेस में उनका क्रोमोसोम्स टेस्ट कराया जाता है, उनका देखा जाता है कि उनके अंदर ओवरी है और गर्भाशय है या नहीं। वो नहीं है तो टेस्टिस है, टेस्टिस है तो क्या पेट के अंदर है जो नीचे आ गए, और क्या वो टेस्टिस एक्टिव है, क्रोमोसोम्स एक्स एक्स है या एक्स वाई है। ये सारे मेडिकल जांच करने के बाद में ये हमें पता लग जाता है कि वो इंटरनली मेल है या फीमेल है।
फिर उससे पेशेंट से पूछा जाता है और उसके हिसाब से उसकी एक्सटर्नल सर्जरी की जाती है और ये कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे भी मेरे एग्जाम्पल है जिनमें उनका मैंने ऑपरेशन किया है और उनको सही दिशा दी गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल हम काफी कुछ सुन रहे हैं सेक्स चेंज ऑपरेशन। सेक्स चेंज ऑपरेशन इस ऑपरेशन से पूर्णतया अलग है। ये एक साइकोलॉजिकल एनोमली होती है, आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, इसके लिए डिटेल साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, उसके बाद में ही थ्रू कोर्ट एंड थ्री टीम ऑफ साइकेट्रिस्ट डिसाइड करती है और उनके डिसीजन देने के बाद में ही सेक्स चेंज का ऑपरेशन किया जाता है।